ये भूल गए। नमस्कार, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। इट्स बाला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाला ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज भाई लोग हम अपने शहर के एक मैरिज लॉन में हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं किसी शादी पार्टी में नहीं आया हूँ। आज हम लोग एकत्र हुए हैं रोटरक क्लब के द्वारा, जिसका मैं एक मेम्बर भी हूँ। फर्स्ट ताइक्वांडो टूर्नामेंट हो रहा है हमारे शहर के एक मैरिज लॉन, उसका नाम है कृष्णा वाटिका। साथ में हमारे बच्चे भी आए हैं, टुक टुक को और आर्यन को मैं लेके आया था साथ में। और सीन्स कुछ ऐसे हैं भैया, बहुत गजब भीड़ है। लगभग 300 पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके साथ उनके मम्मी पापा बाकी लोग भी आए हुए हैं। तो हमारा मैरिज लॉन लगभग खचाखच भरा हुआ है बच्चों से। बच्चों के साथ साथ कुछ गौ माताएं भी टहल रही हैं। बच्चों के बैग्स, बाकी कपड़े वपड़े, सारा आइटम, बोतल, पानी की बोतल, जूते वूते सब यहीं पे ज़मीन पे रखे हुए हैं। बाकी कोई बच्चे लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं, तो कोई अगली तैयारी कर रहा है जिसका नंबर आने वाला है। कहीं पे मैच हो रहा है तो कहीं पे मैच की तैयारी की जा रही है। लगभग 300 बच्चे हैं तो टाइम तो लगेगा। कहीं पे मार्किंग की जा रही है तो कहीं पे नेम अनाउंसमेंट, कहीं पे सर हमारे लगे हुए हैं, कहीं मैम लगी हुई है। अनुभव दीक्षित ऑफिसर कॉलोनी ब्लू चेट गार्ड, अभिनायक प्रताप एस एच एम रेड चेट गार्ड, रेडी रहे। बाहर ताइक्वांडो टूर्नामेंट चल रहा है और अंदर फरीद भाई ने हमको बुलाया कि भैया नाश्ते उस्ते का प्रबंध करवा दो थोड़ा। ये गिलास जो है पानी यहाँ रखा हुआ पहुँचा दो। अच्छा अच्छा, उसके बाद यहीं आ जाओ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आना हो उसके बाद आप सीधे परवेज भाई के पास चले जाओ। अच्छा अच्छा, उनके पास मतलब हमको थोड़ा बहुत बैठने दोगे कि नहीं? नहीं, अभी आप यहीं आ जाओ। चलिए धन्यवाद। वैसे है क्या खाने पे? बच्चे जो है वो पानी गिलास ढूंढ रहे हैं वहाँ पर। If you ride with me, I got a word for the both of us. I'll put you in a driver's seat. I got a hurry and an inner love. When you ride with me, I got a worry when tomorrow comes. I'll put you in a driver's seat. I got a hurry now. हमारे टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि विधायक मन अरविंद गिरी जी भी आ चुके हैं। बच्चों को थोड़ा शांत रखें, बच्चों से सब लोगों से परिचय करवा रहे हैं। रोटरी क्लब गोला सेंट्रल के
चार्टर प्रेसिडेंट रोटेरियन अरविंद गुप्ता राम जी से अनुरोध करूंगा कि वे विधायक जी को कुछ भेंट करके सम्मानित करें। इसके पश्चात बच्चे जोरदार तालियां बजाते रहे। और कैडेट बॉय अंडर 37 के अरे कहां जा रहे हो बेटा आप लोग, गोल्ड मेडलिस्ट यूडीसीए महोदय प्रज्ञान अवस्थी, इधर देखो बेटा, पकड़ लो अपना, यस लाइक दिस, प्रज्ञान अवस्थी यूडीसीए महोदय से गोल्ड मेडलिस्ट पार्टी। ये सुबह इधर देखो बेटा मेडल पकड़ो, इधर मैच के फाइनल रिजल्ट आए हैं, ये उसका रिजल्ट। रुद्रक जग के द्वारा कृष्ण वाटिका में आयोजित ये गोला नगर में हमारे पहली बार जिला स्तरीय टाइकोंडो टूर्नामेंट। सबसे पहले तो मैं रुद्रक क्लब को इस टूर्नामेंट के आयोजन करने के लिए और हमारे समक्ष खड़े शहबाज भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि गोला नगर में जिला स्तरीय ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और अभी मैं बोल ही रहा था कि यहाँ पे सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने होनहार रेफरीज हैं, इनके कोचेस हैं, टीचर्स हैं, जोश की किसी तरीके से कमी नहीं है। एक जोरदार नारा तो लगना चाहिए, भारत माता की। आज तक इतनी सभाओं में इतना बढ़िया रिस्पॉन्स, भारत माता की, वंदे वंदे। ये सारे के सारे बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट सिल्वर मेडलिस्ट हैं जो हमारे विधायक जी के साथ एक फोटो क्लिक करवा रहे हैं। अपना मेडल के साथ जी और हमारे चार्टर प्रेसिडेंट से अनुरोध करूंगा कि विशेष सहयोग के लिए इन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें। मिस्टर शहबाज खान जी, कॉर्नर रेफरी राखी पटेल, विकास रेफरी अलविंद, प्लीज टेक योर सीट। हमारे शहर के ताइक्वांडो के चैंपियन मिस्टर शहबाज खान, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वैसे फरीद भाई ने आज बहुत अच्छा दिन सेलेक्ट किया, आज इन्हें संडे है और संडे को सारे स्कूल्स बंद रहते हैं, बच्चे सारे खाली रहते हैं, तो सारे लोग पार्टिसिपेट भी कर पाए। और आज बहुत अच्छा लगा कि आज मैं तो गया था थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह नाश्ता वास्ता लाने, तो मोबाइल टुक टुक के पास ही रह गया था, लेकिन अच्छा ये लगा कि मेरी अपसेंट में टुक टुक ने ब्लॉग शूट कर लिया, जिससे कि कोई मोमेंट मिस ना हो। मैंने कहा वेरी गुड टुक टुक, थैंक यू टुक टुक, मज़ा आ गया। घर यहाँ मजा नहीं आ रहा, हम लोग आम लोग को चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाओगे? कि हम लोग गए थे स्कूल में, हम लोग गए थे ताइक्वांडो देखने। हाँ। और नाश्ता वास्ता किया। हाँ। चलो फिर चला जाए, क्यों मुझे मजा आ रहा। कह रही मैं नहीं जाऊंगा और आर्यन कह रहा है कि मैं जाऊंगा। और मेरा प्लान चल रहा है कि अभी तहरी आ रही है, असल में बच्चों को सबकी खाने की व्यवस्था भी करी गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तहरी थोड़ा सा तो टेस्ट करके जाएं। अब देखते हैं बच्चे क्या कहते हैं, अगर बच्चे जाना चाहेंगे तो छोड़ाएंगे। और इनका मूड बदल रहा है धीरे धीरे, तो तहरी खा के चला जाए। ठीक तहरी खाकर आधे घंटे बाद जा। ठीक ठीक ठीक, ये देखो एक बच्चा और टहल रहा है। अरे तेरे पापा का क्या नाम है? ये बच्चा हमारे बंधु प्रोटेक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी का बेटा है, उसके पापा आए थे अभी जस्ट चले गए उसको छोड़ के हमारे बच्चों के साथ, तो वो भी लगा पड़ा बच्चों के साथ दौड़ने में। भाई लोग मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ने घर चला गया था, वहाँ पे खाना वाना खा के टनाटन हो गया, लेकिन फरीद भाई ने कहा कि भैया तहरी तो खा लो आके, तो मैंने भैया तेजाब की बोतल एक डकारी और पेट को बिल्कुल धुल धुला के आ गए फिर से वापस उसी फील्ड। भैया ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट किडिंग, मैं गया था जस्ट बच्चों को छोड़ने, फिर फरीद भाई ने मुझे फ़ोन किया कि भैया कुछ पानी की बोतल और मिठाई लेके आ जाओ, तो भैया हम तो आ गए। अब फरीद भाई दिख नहीं रहे कहाँ हैं, दिख गए। ये हमारे डॉक्टर साहब कौशल वर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। आपका
सबका मेहनत है, सबका मेहनत है हम लोग का। नहीं बहुत अच्छा और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे बच्चों को मेडल पहना के सम्मानित करने का भी कष्ट करें। नेक्स्ट कैटेगरी, पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर साहब को माल्यार्पण करके सम्मानित करें। इसके पश्चात मैं रोटरी अध्यक्ष रोटेरियन योगेश तनौजिया से अनुरोध करूंगा कि वे उन्हें बुके भेंट करके सम्मानित करें। रोटेक सचिव रोटेक्टर फरीद अहमद जी, एएसआईसी से सिल्वर मेडल सानध्या सक्सेना। तो भाई लोग, वक्त हो चुका लगभग शाम के 5:15 और मैं अभी तक यहीं बना हुआ हूँ। मुझे बार बार इस रूम के अंदर आना पड़ता है क्योंकि बाहर मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे 300+ लोगों की आवाज़ है, तो इसमें मुझे अकेले की आवाज़ क्या सुनाई पड़ेगी। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अब होने जा रहा है टैग टीम का रैपिड ताबड़तोड़ फाइटिंग। वो क्या होता है मुझे कन्फर्म पता नहीं था, तो मैंने अभी सर से पूछा। कोई नहीं, मुझे भी नहीं पता, आप लोग को शायद पता हो। तो आइए हम लोग चलते हैं और आप भी इंजॉय करिए रैपिड ताबड़तोड़ फाइटिंग टैग टीम। मुझे नहीं मालूम क्या होता है। हेलो, कोई प्रोग्राम बहुत सारा बाकी है लेकिन मुझे घर पे बुलाया जा रहा है, तो भैया हम निकल लिए घर की ओर। बहुत ज़्यादा लेट हो गया। भाई लोग, शाम के लगभग 6:00 अभी ताइक्वांडो सेशन चल रहा था, मैं तो छोड़ के चलाया क्योंकि हमारे मामा जी निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके साथ कन्विंसिंग कर ली थी, तो मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। मामा जी, बड़े भैया, सभी लोग लगे हुए हैं। देखे जरा किस में कितना है दम, मिल के रखना कदम ओ मेरे साथिया। डॉक्टर विकास का चुनाव निशान है। अम्मा ध्यान रखे, अम्मा पूछिए नहीं पूछिए।
मालिक को नमस्कार। हाँ इसे तो मुझे टाइम लाइन वाले वो कहाँ करेंगे बताओ बड़े कौन डाक्टर अभी तुमने साफ रहा जो चाचा हमारे एक बार जो है हमें निकालना है आज कोई कितना लेना पहले ब्याज कर रहे हैं कितना लेना मिल गया हेलो इसके आगे वाला अभी है। तो भाई लोग वक्त हो चुका रात के 9 PM। आप कन्विंसिंग करके फरार है। ऐसे में खाना खा चुका हूँ मामा के साथ और जैसे मैंने घर में एंट्री मारी वो ताइक्वांडो का जो टूर्नामेंट हो रहा था उसके तहत मुझे ये मिला नेक्स्ट रोडलैंड क्लब बोला जो फरीद भाई बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू। असल में मैं इस प्रोग्राम का को चेयरमैन बनाया गया था सो पूरा दिन आज नहीं बिजी था ये तो आप लोग भी देखे हैं थैंक यू वंस अगेन। एंड हमारे घर की स्थिति कुछ ऐसी है। आयु कहाँ है कहाँ है आयु। तो भाई लोग वक्त हो चुका लगभग रात के 10:30। सब लोग सो चुके हैं और मैं भी भैया सब लोगों को गुड नाइट बोलने आया था सो गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट लव यू गाइज़।